अब मैं खेलता हूँ वैलोरेंट और पबजी मोबाइल BGIM आने ही वाला है, आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना एक हेडफोन ही ऑर्डर कर दिया जाए। भैया सिक्का का मेरे वॉलेट से सब निकाल लिया हो गया यार। तो मैंने बड़ी मेहनत करके इन चिल्लरों से 1000 रुपए बनाए और फिर मैंने ऑर्डर किया ये रेड गियर क्लॉक। अब मार्केट में तो कई सारे प्रोडक्ट हैं, पर मैंने इसे ही क्यों चुना आइए जानते हैं। पर उससे पहले हम इस बॉक्स को तो जरूरी खोल लेते हैं। अब मेरी लाइफ की तरह ये हेडफोन भी बिल्कुल अकेला ही आता है। कानों पे ये हेडफोन ज्यादा दयावान तो नहीं है, मतलब कि इसमें आपको 3-4 घंटे से ज्यादा यूज करने पे प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, ड्राइवर इसमें 50mm का आपको देखने को मिल जाता है, जिसे काफी अच्छा बेस प्रोड्यूस हो जाता है, पर ट्रिबल्स में आपको इसमें ज्यादा मजा नहीं आने वाला है। अब मैं इतना बोल ही रहा हूँ तो क्यों ना आपको माइक भी इसका टेस्ट करके दिखा ही देता हूँ। तो अब जो आवाज सुन रहे हैं आप, ये इसी माइक से है। इसके थोड़े मैंने पास रखा हुआ है, थोड़ा दूर कर लेता हूँ ताकि विंड ना आए। तो ये आवाज़ आप लोग सुन सकते हैं कि इसकी जो माइक है उसकी क्वालिटी क्या है, और आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इसकी माइक जो है आपको इन गेम में भी ऐसा ही देने वाली है, एकदम पूरा रॉ साउंड है। अब आपको सेटिस्फेक्शन के लिए ये माइक मैं दूर कर देता हूँ, तो देख सकते हैं आप लोग इसी से ये रिकॉर्ड हो रहा है ऑडियो, और बाहर से कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी देर शांत होकर आपको दिखा देता हूँ। तो इस टाइप की आपको नॉइज़ कैंसिलेशन भी देखने को मिल जाएगी। अब केबल आपको 2 मीटर की मिलती है, जो कि ठीक ठाक क्वालिटी की है। और पोर्ट्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको 2 3.5mm के और 1 USB लाइटिंग के लिए आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर आप मेरी तरह लैपटॉप या फोन के यूजर हैं, तो आपको ये 300 रुपए का एक कनेक्टर यूज करना पड़ेगा। हेडफोन के पीछे आपको एक वॉल्यूम कंट्रोलर नॉब देखने को मिलता है, जिससे आप हेडफोन के वॉल्यूम को एडजस्ट कर पाएंगे। अब गाने वाने सुनने के लिए हेडफोन मत ले लेना, दिस हेडफोन इज ओनली फॉर गेमर्स। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को जरूर से शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना। जाओ।